नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल अमेजिंग इंडिया में आपका स्वागत है। जब आप भेड़ाघाट पहुंचते हैं तो संगमरमर के पत्थरों पर उकेरी गई विश्व प्रसिद्ध कला बरबस ही आपका मन मोह लेती है। भेड़ाघाट पर आपको संगमरमर के पत्थरों पर उकेरी गई कला विक्रय हेतु उपलब्ध हो जाती है। तो यहाँ संगमरमर की कई चीज़ें आपको उपलब्ध हैं, जिसमें सुंदर सी मूर्तियाँ आप देख सकते हैं और बड़े पैमाने पर यहाँ पे पर्यटक आ रहे हैं। एक बड़े से शिवलिंग हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और हमारे साथ इस समय राजा हैं, जो कि इस दुकान के मालिक भी हैं, और ये हमें विस्तार से बताएंगे कि ये कहाँ से संगमरमर लाते हैं और किस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। राजा जी बताइए। संगमरमर तो अपने यहीं से है, लेकिन ये जो हार्ड पत्थर होता है संगमरमर में दो क्वालिटियाँ होती हैं, एक सॉफ्ट होता है एक हार्ड होता है। जो हार्डनेस वाला होता है उसमें मूर्तियों का निर्माण होता है, और जो सॉफ्ट वाला जिसमें नाम वगैरह ये सब सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। जी, इसमें वर्किंग का भी रहता है, इसमें दो टाइप का मार्बल निकलता है, वही मैंने एक सॉफ्ट हार्ड वाला बताया इसमें, लेकिन कलर इसके दो टाइप के होते हैं, एक ग्रे होता है एक वाइट होता है। अच्छा, ग्रे कौन सा है अभी आपके पास? ग्रेनाइट जैसे वो है, नंदी है अपना ग्रे कलर, ये शिवलिंग हो गया। इसमें राजस्थान से भी आते हैं, जैसे ये शिवलिंग जो है ये राजस्थान का है, राजस्थान से हो गया, ये मूर्तियाँ हो गई, ये नर्मदेश्वर शिवलिंग जो प्राकृतिक रूप से अपने नर्मदा नदी के कुंड में पाए जाते हैं। अच्छा, तो वहाँ से निकाले गए हैं सब? हाँ, ये निकाले गए शिवलिंग भी, ये चार टाइप से निकालते। क्या आपकी दुकान का नाम क्या है? अजय महापुर। अच्छा, ये धुआंधार के नज़दीक ही है? हाँ, धुआंधार में प्लाजा मार्केट, इस मार्केट को प्लाजा मार्केट बोला जाता है। ओके। तो दोस्तों, आपने देखा कि कई तरह की चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं और ये प्लाजा मार्केट है, यहाँ पे कई दुकानें हैं। तो दोस्तों, इस समय मेरे साथ हैं पंडित गणेश प्रसाद तिवारी जी, ये उनकी दुकान है और ये प्लाजा मार्केट में स्थित है। काफ़ी विस्तार से वह हमें बताएंगे कि वे कहाँ से मार्बल लाते हैं। तिवारी जी बताइए। भाई साहब देखिए, यहाँ नदी के उस पार में कुछ खदानें हैं, कुछ तो वहाँ से मार्बल निकाला जाता है और कुछ राजस्थान से भी आता है, तो दोनों संग्रह करके सभी का मूर्ति बनाया जाता है। जो जिस पत्थर में बनवाना चाहते हैं उसी पत्थर में हम लोग मूर्ति बनाते हैं। और ये जो बड़े आकार के जो शिवलिंग है, ये किस पत्थर से बने हुए, कहाँ से आएंगे? ग्रेनाइट राजस्थान का पत्थर है, राजस्थान का पत्थर ला के यहाँ तराशते हैं, वहाँ भी तराशा जाता है, यहाँ भी तराशा जाता है, और बढ़िया उसको सुंदर बना के एकदम बढ़िया शिवलिंग तैयार किए जाते हैं। पक्का मार्बल है, पक्का पत्थर है, जितना गीते लगेगा उतना ही काला और अच्छा आता है। वाह, आपकी दुकान का नाम क्या है? श्री गणेश मूर्ति आर्ट, धुआंधार प्लाजा मार्केट। वेरी गुड। तो दोस्तों, आपने देखा, तिवारी जी ने हमें बताया, और काफ़ी प्रसिद्ध दुकान है ये, इस पर काफ़ी संख्या में, बड़ी संख्या में लोग आते हैं, काफ़ी विस्तार से यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं, शिवलिंग है और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे। तो आप भी कभी धुआंधार आए तो इस दुकान पे आके खरीदी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।